हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट समीर। आज की जो वीडियो होगी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। बेसिकली आज की वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जिस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कंप्लीट नॉलेज आपको होगी कि आपको ये योजना अपनी बच्ची के लिए करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, कितने साल बाद ये पॉलिसी मैच्योर होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना आपको पैसा मिलेगा एंड कितना आपको इसमें देना होगा, इन सारी इन्फॉर्मेशन की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी हमारी मोदी जी के द्वारा। साथ ही साथ जब ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 9.1 रेट ऑफ़ इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट की गई थी। इतना रेट ऑफ़ इंटरेस्ट इस समय अगर मैं बात करता हूँ ऑल ओवर किसी भी बैंक में या किसी भी स्कीम में, गवर्नमेंट स्कीम में आपको अवेल नहीं होता है, राइट। इतना अच्छा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट के साथ ये स्टार्ट की गई थी। पर अगर करंट की बात करता हूँ 2015 में 9.1 रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा था, पर करंटली 7.6 यानी 2022 में 7.6 का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपको इसमें दिया जा रहा है। यानी जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टाइम के साथ इसमें जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है उसमें आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। सो आगे जाके फ्यूचर चांसेस यही है कि जिस हिसाब से अभी तक इसका ग्राफ रहा है आगे जाके भी इसके जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो गिरेंगे। अब सेकेंडली इसकी मैं बात करता हूँ, सो जैसे कि आपको हम बता दूँ ये योजना है, ये बेसिकली एक परिवार से एक फैमिली से दो बच्ची के लिए ही अवेल कर सकती है, थर्ड बच्ची के लिए अवेल नहीं हो सकती है। थर्ड बच्ची तभी इसमें अवेल कर सकते हैं। लाइक सिनेरियो सपोज़ कीजिए आपकी फर्स्ट डॉटर होती है, एक फैमिली है उसको फर्स्ट डॉटर होती है, सेकेंड सिनेरियो में उनको एक साथ दो ट्विन हो जाते हैं, उस सिनेरियो में तीनों बच्ची के लिए ये योजना आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये योजना होगी, जो ये स्कीम है वो 21 साल के लिए है, जिसमें आपको इनिशियली फर्स्ट 15 ईयर के शुरुआत 15 साल के लिए आपको अमाउंट देना होता है। मिनिमम इसमें एनुअली 250 रुपये और मैक्स टू मैक्स आप इसमें 1.5 लाख रुपये दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ़ इंटरेस्ट की, शुरुआत में बता चुका हूँ 7.6 का आपको इसमें दिया जाता है, पर करंटली जैसे कि सिनेरियोज़ में अगर हम बात करता हूँ, अगर आप मंथली इसमें 5000 पे करते हैं, राइट 5000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं अमाउंट में बात करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छा आपको समझ आए। अब इस समय मैं बात करूँगा क्योंकि करंट में अगर सपोज़ कीजिए अभी आप ये पॉलिसी कराते हैं 2022 में, सो आपकी जो पॉलिसी है 2043 में जाके मैच्योर होगी। 5000 अगर आप हर महीने इसमें पे करते हैं, जो कि 15 साल तक रेगुलर आप इसमें पे करना होगा, इन पूरे 15 साल में आप लगभग 9 लाख रुपये आप इसमें पे करेंगे। साथ ही साथ 15 साल पे करने के बाद 6 ईयर का इसमें होल्ड है, उन 6 साल में आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, वो आपका अमाउंट एज ए डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के पास, राइट, वो आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। साथ ही साथ 6 ईयर के लिए होल्ड हो जाता है, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलता है 25 लाख के समथिंग ही आपको अमाउंट मिलेगा। यानी अगर आप साल में 60000 रुपये 15 साल तक के लिए रेगुलरली पे करते हैं, करेंटली जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट चल रहा है वो सेम चलता रहता है, इसमें कोई भी गिरावट नहीं आती है, सो तब जाके आपको 2043 में 25 लाख रुपये आपके डॉटर को मिलते हैं। याद रखिएगा आपको नहीं, आपके डॉटर को मिलेंगे जिसके नाम से आप ये पॉलिसी करा रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी जो बच्ची है उसकी 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच में अगर एज है तभी आप इसे करा सकते हैं। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करता हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स इसके फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाते हैं, सबसे पहले सपोज़ कीजिए अगर आपकी डॉटर की उम्र 10 साल है, राइट, अब आप उनके लिए पॉलिसी करा रहे हैं, सो आज 2022 में 10 साल है, पॉलिसी आपकी मैच्योर होगी 2043 में, उससे पहले आप उसे मैच्योर नहीं करा सकते, आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। अमाउंट सिर्फ तभी विड्रॉ होगा जब आपकी जो डॉटर है 18 ईयर्स प्लस हो जाएगी और हायर एजुकेशन के लिए जितना भी आपका अमाउंट और आपका इसमें इंटरेस्ट बना है उसका 50% आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, राइट, सिर्फ 50%, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा, वो भी सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए और वो भी आपके डॉटर के नाम पे जो अमाउंट है सेंशन किया जाएगा, जो भी इसकी अथॉरिटीज़ होगी, पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, जो भी जितनी पावर होगी, जो भी अमाउंट बनेगा आपका वो आपकी डॉटर के नाम से बनेगा। और 18 साल की उम्र में एक साथ इतना पैसा मिलना किसी बच्चे के लिए आपको भी पता है, थोड़ा बहुत इसमें जो सपोर्ट है गार्जियंस का भी होना चाहिए था, थोड़ी बहुत गार्जियंस को भी पावर देनी चाहिए थी पर गवर्नमेंट की साइड से नहीं दी गई है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं, राइट। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है अभी बच्ची की उम्र 10 साल है, पॉलिसी मैच्योर होगी 2043 में,
यानी उस वक्त आपकी बच्ची की उम्र 31 साल हो चुकी होगी। अरे एज की अगर मैं बात करता हूँ शादी क्राइटेरियाज़ की, इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ 21 से लेकर 27-28 की उम्र में बच्ची की ज़्यादातर शादी कर दी जाती है। तो पर्सनली मैं यही सजेस्ट करूँगा अगर 5-6 साल के बच्चे तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जगह। अब इसके अलावा बात करते हैं 7.6 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें मिल रहा है हर महीने, अब 5,000 रुपये के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो जब जाके आपको 21 साल बाद आपको इसमें 25 लाख रुपये अमाउंट मिलता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका नहीं गिरेगा। पर क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हर बार गिरते हुए हैं, सो आगे भी चांसेस यही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिरेगा। अब इसका अल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या इसके अदर्स बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। करंटली मैं बताता हूँ, सो म्यूचुअल फंड जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में आप कर सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड में कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हम बात करते हैं पक्के कि किस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्ट मिलेगा। भारत पे का नाम से आपने सुना होगा, एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, राइट। साथ ही साथ इसमें आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली आपको दिया जाता है, राइट। अब सेम सिनेरियो में मैं बात करता हूँ, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूँ 4.5% आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको मिल रहा है भारत पे में। सेकेंडली इसकी फ़ायदे की अगर मैं बात करता हूँ, इसका किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको विड्रॉ करना पड़ जाता है अमाउंट, सो विद इन अ 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स का टाइम भी नहीं लगता है, विद इन अ मिनट जो आपका अमाउंट है वो अपने बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है। इसके अलावा एक और मैं बात करूँगा, साथ ही साथ क्योंकि आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है, सो उस अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए सो 15 साल में, जहाँ 21 साल में आपको 25 लाख रुपए मिल रहे थे, यहीं पे भारत पे में आपके 15 साल में आपको 25 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपका बन जाता है। और वो भी अगर आप इसमें स्मार्टली करते हैं सो 25 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट आपका बन सकता है। सो चॉइस इज़ योर्स, राइट। टोटली आपका अमाउंट है, आपकी बच्ची है, आपको फ्यूचर डिसाइड करना है किस तरह से आपको सारे इन्वेस्टमेंट करने हैं, ये आपके हैंड में है, राइट। पर स्टिल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो सुकन्या समृद्धि योजना वो एक गवर्नमेंट है जिसमें आपका अमाउंट 110% सिक्योर है। बस अमाउंट आप 2043 में निकाल सकते हैं जब पॉलिसी मैच्योर होगी, या फिर जब बच्ची 18 साल की होगी हायर एजुकेशन के लिए 50 अमाउंट विड्रॉ होगा। सेकंड सिनेरियो होता है अगर किसी रीज़न की वजह से अगर फादर के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, उस सिनेरियो में भी अमाउंट नहीं निकल सकता, उस सिनेरियो में बस जो आपकी पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी, या तो बच्चे उसे खुद कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर ऐसा होल्ड पे उसे छोड़ सकते हैं। स्टिल पॉलिसी जो कि आपकी मैच्योर 2043 में होगी 21 साल बाद। अब आपको मैं फ़ायदे और नुकसान दोनों बता चुका हूँ, अब ये आपके हैंड में कि किस तरह से आपको करना है। इसमें प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, एडवांटेजेस में बता सकता हूँ, रिप्लेसमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से आप इसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ मैंने आपको वर्बली बताई है वो चीज़ आप एग्जैक्टली कैलकुलेटर में देख सके, जो चीज़ मैंने बताई है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, राइट। ये नहीं कि हवा में तीर मार दिया है, अब वो आपके ऊपर है किस तरह से आप इसे यूटिलाइज़ करते हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप सुकन्या समृद्धि योजना में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज़ मिस हो गई थी, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। सो इस पॉलिसी को अवेल करने के लिए आप इसे ऑफलाइन अवेल कर सकते हैं, ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी बैंक में जाके, गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में, या फिर आपके नियर बाय के जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, उस इन तीनों में जाके आप किसी में भी ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, उस बच्ची का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, बच्ची की फ़ोटो, पेरेंट्स की फ़ोटो, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आप इस स्कीम को ऑफलाइन अवेल कर सकते हैं, ऑनलाइन अभी ये अवेलेबल नहीं है, राइट। सो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ। अभी के लिए गुड बाय।